स्टूडेंट्स कैरी ओवर फॉर्म करने के लिए हम लोग ERP लॉगिन पे पहले डालेंगे यूज़र आईडी, फिर डालेंगे पासवर्ड, ये पोर्टल यहाँ पे ऐसे ओपन हो जाएगा। फिर हम लोग जाएंगे एग्ज़ाम फॉर्म डैशबोर्ड पे, इस पर क्लिक करेंगे, गो पे जाएंगे, गो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए सब डिटेल यहाँ पे पहले से फिल्ड हैं। कैरी ओवर, अब देखिए यहाँ पे देखिए टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, टोटल सब्जेक्ट 10 होंगे। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए ये टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, 10 हैं। अगर यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो ये टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें कैरी ओवर ऐड करेंगे। यहाँ पे लिख के आ गया ऐड सब्जेक्ट, तो सेमेस्टर हमने डाला 1, सेमेस्टर 1, ऐड सब्जेक्ट अपने आप यहाँ पे लिख के आ गया BP 104T, मतलब इस स्टूडेंट की BP 104T में बैक है। यहाँ पे हमने क्लिक किया, फिर हमने किया ऐड सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट देखिए यहाँ पे ऐड हो गया है। अब हो गए हैं आपके 11 सब्जेक्ट। अब इसे काउंट करिए, देखिए कितने सब्जेक्ट हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब देखिए ये बैक वाला सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड हो गया, BP 104T। 104T मतलब क्या है, ये आपका सेमेस्टर 1 का सब्जेक्ट है, बाकी जो ऊपर के सब्जेक्ट थे ये आपके सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट थे, ठीक है। अब आप फिल करेंगे अपना एग्जामिनेशन फॉर्म, यहाँ पे लिख के आ गया, ओके करिए, एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली क्लोज, ठीक है। अब आप जाएंगे बैक टू डैशबोर्ड पे, ये हो गया आप लॉग आउट। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद फिर से आप जब यूज़र आईडी डालेंगे और फिर पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड क्या होगा, ये उसी को पता होगा जिसका पासवर्ड है। लॉगिन करिए, देखिए गो पे जाइए, गो पे क्लिक करिए, देखिए 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 यहाँ पे आप, मैं थोड़ा आगे चला गया था, ये आपका आया एग्ज़ामिनेशन डैशबोर्ड, ठीक है। ये क्या है, एग्ज़ामिनेशन डैशबोर्ड, इसके नीचे जब आप आएंगे तो नीचे ही आपको दिया गया है पे फीस का ऑप्शन। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पे फी का ऑप्शन, जब आप पे फी कर दोगे तभी आपका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जो है पूरी तरीके से यहाँ पे वो अपडेट हो जाएगा। ओके, इस तरीके से आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल करेंगे।